ओ जी स्वागत है थोड़ा थोड़ी अपनी इस रसोई से जिसका नाम है टर्बन तड़का। हाँ जी, ये वो रेसिपी है जो मेरे पिताजी बनाया करते थे। हर संडे एक रिचुअल होता था, आलू गोश्त ये उन्होंने बनाना है। उस दिन मेरी बेबे की छुट्टी, बेबे भी छुट्टी लेती थी, सोचिए मतलब पिताजी डबल बेबे है ना। वो जो गोश्त बनाते थे आहा, हम लोग सब उंगलियां चाट के खाते थे। तो सबसे पहले ये जो प्याज है, 3 से 4 प्याज बड़े वाले एकदम बारीक कटे हुए, ये सीधे इसमें। बड़ा यूनिक सा तरीका था जी ये। उसके साथ साथ मटन है, ये मटन डाल दिया और साथ साथ दालचीनी का एक टुकड़ा। ये जो दालचीनी है इसे छोटे टुकड़ों में काट के इस तरह ले लीजिए, दालचीनी डाल ली। साथ ही साथ काली इलायची, ये बड़ी वाली जो काली इलायची है वो भी 4 से 5 डाल लेनी इसमें, ये डाल दी। 2 तेज पत्ते वो भी इसमें डालने हैं इसी तरह से। और ये हरी मिर्चें, 4 से 5 हरी मिर्चें जिसको बीच से काटा है। हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर और थोड़ी सी एनर्जी डालनी है जी, है बहुत ज्यादा नहीं, नमक चमक बस इतनी सी एनर्जी। ये सब होने के बाद इसमें 1 कप पानी ये डालने के बाद ये इसको बंद करके लगभग 25 से 30 मिनट तक पकाना है आपने, और वो भी 8 सीटियां मारनी है लगभग, ताकि मटन बढ़िया तरीके से गल जाए। तो जब तक ये पकता है, दूसरी तरफ पिताजी एक बढ़िया कढ़ाई में, हेलो जी ये रख दी कढ़ाई। वो एक चीज में पर्टिकुलर थे, राई का तेल, हेलो जी। साथ ही साथ यहां है आलू, इनको इस तरह से काट लेते हैं, पील करके इस तरह से काट लेते हैं। ये 8वीं सीटी, तो इसको मैं कर लेता हूं बंद और इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तब तक बढ़िया मसाला भूनना है, हेलो जी। 1 बड़ा चम्मच लहसुन और ओ तेरी तो नाराज हो गया ये, और 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, ये ओ हो, ये तो असल में नाराज हो गया है। दूर से भून लेता हूं मैं ये। जब बढ़िया तरीके से भून जाए तो इसमें ये टमाटर का पेस्ट, 4 से 5 बड़े टमाटर, लाल वाले एकदम बिल्कुल बढ़िया, वो इसमें डाल लें। अब इसे अच्छी तरह से भूनना है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। टमाटर जब भून जाए तो साथ ही साथ इसमें मसाले सूखे, बिल्कुल लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च वो डाल दिया। धनिया पाउडर, ये 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालूंगा मैं इसमें, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही साथ 1 छोटा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, वो पहले ही डाल देना है यहाँ पे, बाद में भी डालेंगे लेकिन पहले ही डालना है। और इसको अच्छी तरह से भूनना है इसे। अब ये मसाला लगभग भून गया है, देखिए इकट्ठा हो गया है, आसानी से कढ़ाई छोड़ रहा है। मैं क्या करूंगा जी, अब इसको यहां रख के ये जो आलू काटे थे मैंने वो डाल दिया। अब ये बढ़िया तरीके से इसको वापस भूनेंगे इस मसाले के साथ। साथ ही साथ ये जो मटन है ये भी चेक कर लेते हैं, क्या बात, हाँ हाँ ये देखिए बढ़िया, क्या बात है। इसको हमने भूनना है अब इस मसाले के साथ। तो ये जो मटन है इसमें से ये निकाल के अब इसको मैं
अच्छी तरह से भूनूंगा। अब ये भून गया, यदि आप चाहें तो ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन आलू गले होने चाहिए। लेकिन मुझे याद है हम लोग खाते थे दरी वाला आलू गोश्त, इसलिए पानी इसमें ये डाल लिया, पानी ये देखिए। आ हा हा, क्या बात है। अब इसे मैं पकने देता हूं, जब तक ये ग्रेवी बढ़िया तरीके से मिल ना जाए। जब आलू पक जाएंगे आखिर में थोड़ा सा गरम मसाला और डालेंगे, थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं इसे। अब क्या करना है, थोड़ी सी एनर्जी डाल लेता हूं, नमक शमक बस इतनी सी एनर्जी काफी है। साथ ही साथ जो लास्ट में गरम मसाला था वो भी आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और, तो ये डल गया और इसे मैं मिला लेता हूँ। हा हा हा, ये देखिए क्या फ्लेवर है, आलू भी पक गए हैं और फ्लेवर तो बहुत बढ़िया आ रहा है। इसे कर लेते हैं बंद और आलू गोश्त खाने के लिए तैयार। सर्व करने के लिए बहुत बढ़िया कढ़ाई मेरे पास, ये आ हा हा हाँ हाँ, जैसे जैसे मैं फ्लेवर ले रहा हूँ मुझे मेरी बचपन की वो रसोई घर याद आ रही है, जहाँ पे भाई पूरा परिवार बैठ के आनंद लेता था पिताजी के बनाए हुए आलू गोश्त का। और जी तुसी काम करो, इंग्रेडिएंट नोट कर लो, तुसी भी नोट करो, कोई चीज़ मिस ना करना, ठीक है जी। ते नाल ना रेसिपी रिकैप देखो, तुसी भी देखो जी। आलू गोश्त, सामग्री दो आलू छीले और मोटे टुकड़ों में कटे हुए, एक किलो मटन हड्डी के साथ छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, तीन से चार प्याज बारीक स्लाइस किए हुए, एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, चार से पाँच बड़ी इलायची, दो तेज पत्ते, चार से पाँच हरी मिर्च स्लिट की हुई, तीन चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, चार बड़े चम्मच राई का तेल, एक बड़ा चम्मच लहसुन पेस्ट, एक बड़ा चम्मच अदरक पेस्ट, चार से पाँच टमाटर की प्यूरी, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ बड़े चम्मच धनिया पाउडर, डेढ़ छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे बनाने के लिए प्रेशर कुकर में बारीक स्लाइस किए हुए प्याज, मटन, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, तेज पत्ते, हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक और एक कप पानी डालकर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लीजिए और 25 से 30 मिनट या 7-8 सीटियां आने तक पका लीजिए। एक कढ़ाई में राई का तेल गरम कर लीजिए। अब इसमें लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट डालकर अच्छे से भून लीजिए। टमाटर की प्यूरी डालकर पका लीजिए। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। तेल अलग होने तक भून लीजिए। आलू के टुकड़े डालकर अच्छे से मिला लीजिए। प्रेशर कुकर से मटन का मिश्रण निकाल कर कढ़ाई में डाल दीजिए और 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। आवश्यकता अनुसार पानी डालकर आलू पकने तक पका लीजिए। नमक और बचा हुआ गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छे से मिला लीजिए। 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पका लीजिए। सर्विंग बाउल में निकाल कर गर्मा गर्म सर्व कीजिए।